उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक पे जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन, नौकरी पाने हजारों की तादाद में पहुंचे युवा। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले की शुरुआत बुधवार सुबह 11:30 बजे से हुई, जहां पर बड़ी तादाद में कंपनियों ने स्टॉल लगाए और नौकरी पाने के लिए जिले भर से हजारों की तादाद में युवा पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में विधायक निर्मला सप्रे, जनपद अध्यक्ष उषा राय, नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार एवं रोजगार विभाग के जिले के अधिकारी एवं एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह व तहसीलदार सुनील शर्मा शामिल हुए। रोजगार मेले में विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने युवाओं से आवेदन लेकर नौकरी के लिए चयनित किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। हालांकि रोजगार मेले में रिफाइनरी एवं जेपी पावर प्लांट ने हिस्सा नहीं लिया। विधायक निर्मला सप्रे का कहना है कि उनको मेले में भागीदारी के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये जो हमारी सोच थी कि ये मेरा प्रथम प्रयास था कि जिला स्तर का एक रोजगार मेला का आयोजन किया जाए, और जो बेरोजगारी की समस्या खासतौर से हमारी बीना विधानसभा में, जहाँ से लोग रोजगार पाने के लिए पलायन कर रहे थे, यहाँ पर 2000 लोगों ने आवेदन कर चुके थे। अभी मैंने करीब 1:30 बजे जब मैंने वहाँ पर अपडेट लिया था तो आवेदन कर चुके थे, उसमें तो आप जाएंगे 50% लोगों को तो रोजगार मिलना ही है। लगभग यहाँ से हमें 25-30 कंपनियाँ नज़र आ रही है, और बहुत सारी कंपनियाँ अभी आ नहीं पाई हैं किन्हीं कारणों से या ट्रेवलिंग की वजह से, लेकिन आगे हम लोग फिर रोजगार के ऐसे मेले के आयोजन करेंगे। देखिए, रिफाइनरी से एक स्टेप कंपनी आई है यहाँ पर, लेकिन चूंकि अभी रिफाइनरी में यूनिट में उसमें उस कंपनी का यहाँ पर वैकेंसी खाली नहीं है, तो उन्होंने होशंगाबाद का कुछ लगा रखा, मैंने उनसे सवाल किया था। जेपी और रिफाइनरी इन सब के लिए आवेदन गए थे, उनसे फिर से पुनः उनसे संपर्क किया जाएगा कि क्या वजह रही कि आज आपने यहाँ पर स्टॉल नहीं लगाया, क्या अभी वैकेंसियाँ नहीं है, यदि वैकेंसियाँ अभी नहीं है तो कब आएंगी, और कब आप इसे इसमें यहाँ पर बिना के लोगों को रोजगार देंगे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था है और दिए भी है आज यहाँ पर साठ रुपये, तो मैं उनसे फिर से करूँगी कि आप और भी कंपनियाँ, जैसे कि हम लोगों ने कल हमने BPCL भी, मैंने भी खुद व्यक्तिगत बात की थी और इससे पहले लेटर भी भेजा था कि यहाँ पर आप अपना स्टॉल लगाएं, तो उन्होंने कहा मैडम मैं अपना जितना भी जो वैकेंसियाँ खाली है तो हमारी जो कंपनियाँ जो काम कर रही हैं तो उनका लगाएंगे, तो एक स्टेप लैब कंपनी यहाँ पर लगाए बैठी है, रही है जेपी अपनी जेपी में कंपनी का है कि अभी लेबर वर्क है, क्योंकि आप लोगों को पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना है, लेकिन यहाँ पर तो सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर अभी चल रहा है सप्लाई वाला काम, सप्लाई है, मटेरियल है, माइनिंग वाला है काम ये चल रहा है, अभी पढ़े लिखों के लिए उन लोग खड़ा के अलग से व्यवस्था है। भविष्य में बिल्कुल कर सकते हैं इंतजार, और बहुत जल्दी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सालों बीतने वाले हैं, हमारी प्राथमिकता है कि साल में कम से कम एक बार रोजगार मेले का आयोजन किया और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और आज भी आपने देखा होगा कि आवेदन के माध्यम से 80% यहीं के लोकल लोगों ने आवेदन किया है, और इनमें जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो भी यहाँ, बल्कि 100% लोगों का स्थानीय लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, भले वो बाहर जा रहे हैं काम करने या कुछ तो यहीं पर कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता रखी भी गई है, क्योंकि यह तो जिला स्तरीय लेकिन किसी को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन हम तो अपने बीना के टैलेंटेड जो जिन लोगों ने आवेदन किया उन लोगों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने कम से कम इस मेले के माध्यम से रोजगार मिला।